नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा, एक डेंटिस्ट हूँ और मैं आपको आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त प्रबुद्ध जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जैना फैमिली के लंबे अरसे से जुड़े वरिष्ठ सदस्यों के अलावा आज मुझे उनका भी स्वागत करने का मौका मिला है जो नए नए इस परिवार से जुड़े हैं। मैं स्वयं को गौरवान्वित मान रही हूं कि आज मुझे इस अवसर पर सभी का स्वागत एवं इसी साप्ताहिक कार्यक्रम में के उत्तरदायित्व को निभाने के लिए नामित किया गया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, यह पहल अपनी संस्था के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, जिसके तहत प्रत्येक सदस्य को समान अधिक अवसर दिया जाता है। यह इस सच्चाई से भी जाहिर है कि संस्था को हम पर पूर्ण विश्वास है, और मात्र यही एक वजह है कि आज मेरे ऐसा एक व्यक्ति आपके समक्ष है। मैं इस सुयोग के लिए आयोजक मंडल का सहृदय आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। आज हमारा एपिसोड है, तीसरा एपिसोड है, जिसमें हमें बताना है कि आज के युवा पीढ़ी यानी किशोर अवस्था में दांतों का कैसे हम देखभाल कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा तो ये होता है कि आजकल देखा जाता है कि युवा पीढ़ी जो है वो अपने दांतों का तो क्या अपने हेल्थी बॉडी का भी सही से ध्यान नहीं रख पाते, कि जैसे जैसे वो यंग होते जाते हैं वैसे वैसे उनके अंदर एक बहुत ही हाइपर एक्टिव एनर्जी जनरेट होनी शुरू हो जाती है, जो आजकल के युगों में देखने को मिला है। पहले ऐसा था कि हमें टेक्नोलॉजी की अनुभव नहीं थी, तो बहुत कम लोग इस चीजों से ये जागरूक थे, लेकिन आज के डेट में इन चीजों से लोग बहुत ही ज्यादा जागरूक हैं। जहाँ यह टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक वरदान साबित है, वहीं कहीं ना कहीं यह हमारे लिए कुछ हद तक थोड़ा नुकसानदायक भी होता जा रहा है। इसकी वजह से आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो एडीएचडी यानी कि एक्टिव, एडीएचडी का मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव सिंड्रोम, यानी आजकल के बच्चों में ये डिफिशियंसी पाई जाती है कि वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। खासकर युवा पीढ़ी, किशोर अवस्था, जैसे जब दांतों का ये होता है 6 मंथ से लेकर आप देखोगे 12 इयर्स 18 इयर्स तक आते आते बच्चे बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव मोड में चले जाते हैं। कभी कभी ये जेनेटिक भी होता है, कभी कभी पेरेंट्स के सही तरीके से उनको तैयार ना करने की तरफ, एनवायरनमेंट से सही परिचय ना कराने की वजह से भी कभी कभी ये होती है, या कभी कभी प्री मेच्योर डिलीवरी या बहुत सारी चीजों की वजह से भी ये हाइपर एक्टिव सिंड्रोम में चले जाते हैं। कभी कभी कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होती है, इसकी वजह से भी ये इन सिंड्रोम में चले जाते हैं। इसकी वजह से भी दांतों की बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो युवा पीढ़ी है उनमें दांत कितने होते हैं। युवा पीढ़ी जो होते हैं उनमें दांत मोस्टली तो 32 होते हैं, 18 साल तक आते आते 32 दांत चले आते हैं। लेकिन आज के डेट में बहुत ऐसी चीजें हुई है जिसकी वजह से दांत जो है 28 ही आ पाते हैं, जो जो विजडम टीथ हैं वो नहीं आ पाते हैं। कभी कभी लेट अवस्था में भी आते हैं, मोस्टली जो हमारे दांतों में मुंह में ओरल कैविटी में स्पेस ना होने की वजह से आजकल हमारे दांत नहीं आते हैं प्रॉपर, जिसकी वजह से बहुत लोगों की तो मिसिंग टीथ की प्रॉब्लम होती है कि उनके जो है अक्कल जार तो छोड़े, उनके जो मोलर्स हैं यानी कि जिससे च्यूइंग करते हैं, बहुत लोगों को वो भी टीथ नहीं आती है। ये भी एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पहले जो टिथ थी, जो प्राइमरी टिथ होती है जिसको मिल्क टिथ कहते हैं, उनमें जब ध्यान नहीं दिया जाता है तो अंदर ही टूथ हमारे इरप्ट तो होते हैं, तो वो अंदर ही अंदर रह जाते हैं, वो बाहर सही तरीके से नहीं आ पाते। इसलिए खासकर ध्यान रखा जाता है, जब भी परमानेंट टिथ आए तो आपको खासकर ध्यान रखा जाता है कि वहां अगर सूजन होती है या रिंग जैसी बनती है तो आप अगर नहीं निकलती है सही टाइम में तो उसे जरूर आप डेंटिस्ट के पास जाके चेकअप करवा के एटलीस्ट एक रास्ता बनाए ताकि वो सही तरीके से निकल सके। यही कहना था मुझे, इसका खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल हमारी दांतों में या मुंह में या ओरल कैविटी में स्पेस बहुत कम होती है।
जिसकी वजह से बहुत सारे इंफेक्शन की भी प्रॉब्लम होती है, जो टूथ इरप्ट ही नहीं हो पाते पूरी तरीके से। ये एक समस्या बहुत ही गंभीर होती जा रही है, इस पर बहुत ध्यान रखना है ताकि ये समस्या आगे जाके कभी भी ज्यादा बढ़े नहीं। जो अभी तक है, अगर लोग इससे अवेयर हो जाएंगे तो ये समस्या थोड़ी कम हो सकती है। कंप्लीटली स्टॉप करना तो मुश्किल ही है, बट थोड़े बहुत अगर अवेयर हो जाते हैं इन सब चीजों से, तो ये समस्या धीरे धीरे ऑटोमेटिकली चली जाएगी। देखिए, कहा भी जाता है अवेयरनेस इज एवरीथिंग। अगर हम किसी चीज से अवेयर होते हैं तो इन सब चीजों की जानकारी ऐसे तो मिल ही जाती है। जैसा आप सब जानते हैं, सबसे ज्यादा आजकल हमारे प्रॉब्लम अवेयरनेस की ही है, बाकी सब चीज तो नॉर्मल है, चाहे वो बॉडी हो, दांत हो, या किसी भी तरीका की प्रॉब्लम। अगर हम अवेयर ही नहीं होंगे प्रॉब्लम से, तो उसको हम सही तरीके से स्वचालित रूप से कैसे चला पाएंगे। उसी तरीके से जैसे मैंने बताया था कि बच्चों के टिथ में, पिछले एपिसोड में बताया था, बच्चों के टिथ 20 होते हैं और बड़ों के टिथ 28 होते हैं, 32 होते हैं, किसी किसी के 28 भी होते हैं। तो उसमें यह बताया था कि बच्चों के टिथ में जो है प्री मोलर्स नहीं होते, क्योंकि तो बड़ों के टिथ में होते हैं। तो इसलिए बड़ों का टिथ जो है, जैसे सेंट्रल इंसाइजर तो सेम हुआ, लेटरल इंसाइजर सेम हुआ, कनाइन सेम हुए, उसके बाद फर्स्ट प्री मोलर, सेकेंड प्री मोलर, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, और बाद में थर्ड मोलर जो एकदम यहाँ पे आते हैं टीएमजे के पास। ये कभी कभी क्या होता है, टीएमजे की प्रॉब्लम होने, टीएमजे यानी कि टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट, जो कि ये इस टिथ को, मैंडिबुलर टिथ को यहाँ से कंट्रोल करते हैं, टेम्पोरल बोन से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है। इसकी वजह से भी मैं ओरल कैविटी में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, इसका खास कर ध्यान रखें। इसलिए जब भी कभी किसी किसी को टीथ बाइटिंग की भी प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे दांत आते हैं दांत में ऐसे कट 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 ऐसे टीथ करते हैं, उसका भी ध्यान रखें। ये नहीं होना चाहिए, जैसे टीथ पे एट्रिजन, एब्रिजन और टीथ के जिंजाइवल रिसेशन होने की संभावना है, इसका बहुत ध्यान रखें। ये तो हो गई टीथ की नॉर्मल बातें। अब मैं बताऊंगी टीथ के लिए जो हाइपर एक्टिव बच्चों को, यंगस्टर जिसको कहते हैं, जो आजकल के युवा पीढ़ी है, जो आने वाले भविष्य हैं, जो हमारे देश के उगते हुए भविष्य हैं, जिन पर हमारा यह देश पूरा डिपेंड करता है, उनको हमें सही तरीके से हर एक क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो दांतों के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, सही जानकारी देना, उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। लोग, मैंने देखा है, मैं बता रही हूँ कि जो 16-17 साल के जो टीनेजर्स बच्चे होते हैं, उनपे देखा गया है कि वो ना खाने में ज्यादा ध्यान नहीं देते। तब खाने का जो बाइट होता है, 2 से 3 बाइट, जो ब्रेकफास्ट बहुत ही जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, वो ब्रेकफास्ट लेते ही नहीं है, वो ऐसे लेते हैं और निकल जाते हैं। तो उसके क्या होता है, दांतों की जो मोबिलिटी होनी चाहिए, जो प्रॉपर, जिससे जो च्यूइंग प्रॉपर होती है, जिससे स्लाइवा, मोर एंड मोर स्लाइवा का सिक्रेशन होता है, जिसमें कि स्लाइवा में प्रोटीन, एंजाइम, कैटलिस्ट, मिनरल्स, बहुत सारी चीजें होती है, जिससे फूड डाइजेशन में बहुत सारी हेल्प मिलती है, उसका सही तरीके से संचालन होता है, वो नहीं हो पाता है। इसलिए मैं जो युवा पीढ़ी है उनसे अनुरोध करूंगी कि प्लीज प्लीज आप अपने दांतों का ध्यान रखें, सही से च्यू करें, क्योंकि च्यू करना बहुत जरूरी है। च्यू करने से स्लाइवा सिक्रेशन जितना ज्यादा मुंह में, मोरल कैविटी में होगा, उतना ही आपके दांत स्ट्रांग होंगे, उतना ही आपके दांत में स्लाइवा सिक्रेशन होगा, प्रोटीन, एंजाइम्स, मिनरल्स सारे उसमें एक्टिवेट होंगे, और स्लाइवा की वजह से ही हमारे जो दांत होते हैं, गम्स होते हैं, वो सब सारे स्ट्रांग होते हैं, सारे गम्स इससे स्ट्रांग होते हैं, बोन्स भी स्ट्रांग होती है। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। कई कई लोगों में पाया गया है कि कैल्शियम, जो हमारे दांत होते हैं, सबसे पहले तो ये बताओ, दांत हमारे कैल्शियम्स के बने होते हैं, मिनरल्स के बने होते हैं। तो दांतों के जो पार्ट्स होते हैं, वो इनामल, डेंटीन, पल्प, पल्प चैम्बर और रूट, इसी तरह से दांतों का डिवीजन होता है। ये ऊपर वाले टीथ होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, उसको क्राउन पार्ट कहते हैं। उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इनामल, जो कि बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, उसको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद का जो टीथ होता है, वो होता है लेयर्स होते हैं, वो होते हैं डेंटिन, उसके बाद होता है पल्प। तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, उसे सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। आगे के टीथ से जो है हम बाइट करते हैं, अगर आगे के टिप्स सही नहीं होंगे तो हम बाइट सही से नहीं करेंगे। जब बाइट ही सही से नहीं आएगी तो फिर हम च्यू सही से नहीं कर पाएंगे, जब च्यू सही से नहीं कर पाएंगे तो स्लाइवा सिक्रीशन नहीं होगा, एक बोलस फॉर्म नहीं बनेगा, जो डाइजेस्टिव का पहला फॉर्म होता है। तो
जब वही नहीं बनेगा तो बॉडी हम बॉडी में हमारे जो संतुलित पोषण है, जो बॉडी को प्रॉपर मात्रा में मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। वो फूड स्टक हो जाते हैं दांतों में, जिसकी वजह से दांतों में बहुत सारी छोटी छोटी कैविटी होनी शुरू हो जाती है, और उसके बाद जैसे डार्क और ब्राउन स्पॉट होने शुरू हो जाते हैं। उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो फूड स्टक, जब भी आप खाना खाएं, ईच एंड एवरी मील आप अच्छी तरीके से दांतों को ब्रश कर सके तो ब्रश करें, अदरवाइज आप डेंटल फ्लॉस, जो पतली सी थ्रेड आती है, उसका यूज करें, ताकि दांतों के बीच में इंटर डेंटल एरिया जो होता है, तो दांतों के बीच में उसमें कहीं फूड स्टक ना हो जाए। कभी भी टूथपिक का इस्तेमाल ना करें। मोस्टली देखा है मैंने कि लोग टूथपिक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि दांतों में एट्रिजन होने की संभावनाएं होती है। इसलिए कभी भी टूथपिक का इस्तेमाल ना करें। डेंटल फ्लॉस आती है, इंटरडेंटल ब्रश आती है, पतली पतली सी ब्रश होती है, उसका इस्तेमाल कर और दांतों में जो फूड स्टक हो जाते हैं उनको सही तरीके से निकालें, जिससे कि और उसको सही तरीके से माउथ रिंज करें। रिंज करना तो भूल ही जाते हैं, रिंज भी करना बहुत जरूरी है। ये सब प्रिकॉशन लेने से आप बहुत सारे दांतों के प्रॉब्लम्स, इनफैक्ट दांतों के प्रॉब्लम ही नहीं, बहुत सारे बॉडी प्रॉब्लम से भी आप बच सकते हैं। इसका खास कर ध्यान रखें। एक और बात मैं बताना चाहूंगी, वो ये है कि जैसे कहा भी जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन करने के लिए मैंने दो तीन चीजें बताई हैं, मैं इसको दोबारा बता देती हूँ कि जो युवा पीढ़ी है, प्लीज कृपया आप अपने दो दांतों को 2 बार ब्रश करें, मॉर्निंग एंड इवनिंग, रात में खाने के बाद, जब खाना खा लेते हैं उसके बाद, क्योंकि रातों में स्लाइवा का सिक्रेशन होना बहुत जरूरी है। रातों में जितना ज्यादा स्लाइवा का सिक्रेशन होता है, सुबह उतने ज्यादा आपके गम्स स्ट्रांग होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप स्लीपिंग स्थिति में होते हो, जहाँ पे पूरा बॉडी रेस्ट करता है, तो माउथ एक्टिविटी चालू रहती है उस टाइम में। आप देखोगे बहुत सारे लोगों के कभी कभी वो निकल भी जाते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन वो इसलिए क्योंकि उनकी टिथ प्रॉपर नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से उनके टिथ के बीच, दो टिथ के बीच में थोड़े गैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो चीज जो स्लाइवा है वो बाहर निकल जाते हैं। इसका भी ध्यान रखें, अगर दो टिथ के बीच में गैप आ रही है तो आप डेंटिस्ट के पास जा करके उसका को देख लाल करवाए, ताकि जो सामने वाले टिथ है वो इधर उधर रिप्लेस में उसको जो है वो फर्दर मूव ना कर जाए, तो आपका जो एक स्ट्रक्चर है स्माइल स्ट्रक्चर वो बना रहे। और आगे का टिथ का तो आप जानते ही हैं कि स्माइल इज एवरीथिंग, तो आगे के टिथ स्माइल के लिए तो प्रोमिनेंट माना ही जाता है, तो आगे के टिथ को हमेशा ध्यान रखें। और पीछे के टिथ चीविंग के लिए काम आती है ज्यादातर, तो पीछे के टिथ का भी ध्यान आप हमेशा रखें। कोई भी फूड स्टक हो जाए तो आप उसे तुरंत उसी समय फ्लॉस करके या रेंज करके, आजकल तो मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, रेंज के बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, आप माउथ वॉश बहुत सारे यूज कर सकते हो, जैसे कॉलगेट ब्लैक हुए, इसके अलावा भी बहुत सारे माउथ वॉश हैं, उन सबको यूज कर सकते हो, इंटरडेंटल ब्रश है वो सबको यूज कर सकते हो, ताकि कोई भी फूड स्टक ना हो, जिससे आपको आने वाली किसी भी तरह से डेंटल प्रॉब्लम में कोई परेशानी ना हो। अब मैं ये बताऊंगी कि जो आपकी डाइट है उसमें क्या क्या होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले तो दांतों के लिए जो होती है वो कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि बोन्स के लिए भी होती है। तो मिनरल्स फूड खाए, बेसिकली जो वो सब फास्ट फूड वगैरह खाते हैं वो अवॉइड करें ज्यादा से ज्यादा हो सके तो, क्योंकि वो दांतों में जल्दी स्टक हो जाते हैं, इसकी वजह से हमारे दांतों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। उसमें उतने प्रोटीन्स और विटामिन और मिनरल्स नहीं होते, तो आपके दांत स्ट्रांग नहीं बन पाते और च्यूइंग भी नहीं होती। आप ड्राई फ्रूट्स खाएं, जिससे आपकी च्यूइंग कैपेसिटी बढ़ेगी। आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, आप हो सके अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं, अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आप चिकन वगैरह एग वगैरह ले सकते हैं। एग की जो प्रोटीन्स होती है, जो व्हाइट वाले होते हैं, वो जो व्हाइट वाले होते हैं प्रोटीन्स, उनको खाएं, उससे आपके लिए बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। इसके अलावा जो है आप अपने डाइट के साथ साथ अपने दांतों का और भी कैसे ध्यान रखेंगे मैं आपको बताती हूँ। वो है कि आप अपने दांतों को जो ब्रश करते हैं वो हल्के हल्के हाथों से करें। ब्रशिंग टेक्निक में बता रही हूँ एक्चुअली, तो ब्रशिंग टेक्निक कहते हैं जनरल हमारे डेंटिस्ट में, लेकिन मैं इसे ब्रश का तरीका बता रही हूँ। दो तीन तरीके से ब्रश के तरीके होते हैं जिन्हें आपसे करना पड़ता है, और 2 टाइम ब्रश करना बहुत जरूरी है, ये हमेशा याद रखें। तो आप देखो, जैसे एक तो सबसे पहले आप सॉफ्ट ब्रश यूज करो। बेसिकली मैंने देखा है लोग बहुत ही हार्ड ब्रश यूज करते हैं और बहुत ही रब
करते हैं, अरे आपके दांत हैं, आपके दांत हैं, किसी और के नहीं है। आप अपने दांतों का ख्याल रखिए, जैसे आप अपने आप सॉफ्टली सॉफ्टली जैसे स्किन को टच करते हैं, सॉफ्टली से कपड़ों को रखते हैं, जैसे सॉफ्टली अपने आप को रखते हैं, उसी तरह से दांतों को भी सॉफ्टली और जेंटली ही रखना चाहिए। हमेशा हल्के हल्के हाथ से मसाज कर, आप मसाज भी करते रहे, साथ में उंगलियों से मसाज कर सकते हैं, और ब्रश भी हल्के हल्के हाथों से करें, गम्स में भी हल्के हल्के हाथों से करें, ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो, कोई भी एट्रिजन या एब्रिजन होने की संभावना ना। एट्रिजन एब्रिजन यानी दांत घिस जाना, दांत में छोटे 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 गड्ढे पड़ जाना, फिर ये जो जिंजाइबल रिसेशन यानी कि गम्स जो है वो नीचे की तरफ रिसीट कर जाते हैं, ये सब चीजें ब्रशिंग सही तरीके से ना होने पे ये सब चीजें हो जाती है। इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा मैंने देखा है कि बहुत सारी मतलब यंग एज में, 16-17 साल की एज में जो बच्चे होते हैं टीनेजर्स, उनके दांत बहुत ही मोबाइल हो जाते हैं, इतने मोबाइल होते हैं कि वो बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होती है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, कि जल्दी दांत एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। हल्की मोबाइल टीथ होती है तो हम उसे वायर से उसको स्ट्रेच करके उसको स्टैंड कर देते हैं, लेकिन अगर मोबिलिटी बहुत ज्यादा होती है तो हमें उन्हें निकालना पड़ता है, और अनटाइमली टीथ निकालने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि तो आप आगे आने वाली चीजों में जब हम प्रॉब्लम्स के बारे में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, तब आपको पता चलेगा। ये चीजें हो गई। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि कैसे आप अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट करें। प्रेजेंट इज एवरीथिंग। अगर आपको लगता है कि आपके दांत जरूरी नहीं है, कहीं नहीं है, आपके दांत आपके हर एक बॉडी पार्ट की तरह बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स भी होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होती है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होते हैं, डिप्रेशन भी होते हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं बच्चे, इन सब का काफी ध्यान रखें। अब मैं इतना ही मुझे आपको कहना था, और एक चीज और बतानी थी मुझे, वो ये है कि दांतों में ना छोटे छोटे यहाँ पे दांतों में व्हाइटिश व्हाइटिश हो जाते हैं इनामेल के पास, जिसको चौकी टिप कहते हैं। ये हो जाता है बेसिकली ये जेनेटिक भी होते हैं, या फिर आपके मिनरल्स की कमी की, हाइपो मिनरल क्या कहते हैं, की कमी की वजह से हो जाती है। यानी मिनरल्स की कमी अगर होगी तो यहाँ पे व्हाइटिश व्हाइटिश चौक, जैसा आपने चौक यूज किया होगा स्कूल में, ऐसे चौक जैसे यहाँ पे निशान बन जाते हैं। तो इसको क्या, इसका कोई इलाज ऐसा प्रॉपर तो होता नहीं है, बट तो हम इन्हें प्रोवाइड कराते हैं कि कैल्शियम का इंटेक करें, उसके बाद भी अगर दांत अच्छे नहीं होते तो फिर हमें वो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होती है वो सब कराने की जरूरत पड़ती है, फ्लोराइड्स वगैरह ये सब यूज करने की जरूरत पड़ती है, वो आगे के दिनों में हम बताएंगे। अब हमारे साथ जो गेस्ट, हाँ राफिया जी हैं अवेलेबल। अब हमारे साथ जो आज गेस्ट जुड़े हैं वो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो इनका जिनका हम स्वागत करते हैं वो राफिया जी हैं। नमस्कार राफिया जी जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस करना है तो आप कर सकते जी हैं। हाँ डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है को? हाँ जी, मैं आवाज आ रही है। हेलो, हाँ हेलो, आप आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? हाँ आवाज आ रही है मैम। हाँ, हमको ये पूछना था डॉक्टर साहब कि क्या ये टीथ क्लीनिंग से क्या क्या कहते हैं, दांत जल्दी खराब हो जाते हैं? कब, कितनी बार करवाना चाहिए? जैसे हमने तो करवाया नहीं कभी, तो करवाना चाहिए हाँ, दांत टीथ क्लीनिंग कराना क्लीनिंग? चाहिए, दांत क्लीनिंग बहुत जरूरी है। छह तो मंथ कहते या छह हैं मंथ से 1 ईयर में हाँ एक बार दांत क्लीनिंग जरूर करानी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत लोगों के दांतों में स्पेस नहीं होते, तब दो जी दांतों के बीच में हम सफाई नहीं कर पाते सही तरीके से, तो जी जी जिसकी जी वजह से फूड स्टक हो जाते हैं ना, तो कैविटी हो जाती है, वो दिखती नहीं है। इसलिए जी छह जी से एक में एक साल के अंतर में एक बार तो डेंटिस्ट के पास जाके दांतों का ट्रीटमेंट कराना चाहिए। जी नहीं, कोई कह रहे थे कि कमजोर हो जाती हैं दांत नहीं, अगर ज्यादा कमजोर नहीं अगर होती है, टीथ। बिल्कुल भी नहीं, ये सब मिथ है, जी जी कमजोर नहीं होते टीथ। अगर कमजोर होते तो मैं खुद डेंटिस्ट होके अपने दांतों का खुद करती हूँ या कभी करवाती हूँ, तो कमजोर नहीं होते टीथ, इससे टीथ और अच्छा स्ट्रांग बनते हैं। बल्कि जो अच्छा गम्स रिसेशन की प्रॉब्लम होती है अंदर, वो भी थोड़े से
गम्स की जो साइज है वो जी प्रॉपर जगह पे आ जाती। अच्छा जी 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 हाँ थैंक यू ओके डॉक्टर, थैंक यू, थैंक यू। ओके। दूसरा सवाल कुछ और हो तो आप पूछ सकती हैं मैम। डॉक्टर डॉक्टर साहब एक और बात पूछे आपसे, जैसे ये गम ब्लीडिंग होती है ये क्यों होती है, वो क्या वो टार्टर जो जम जाता है उसकी हम तो फ्लॉस यूज करते हैं, जैसे कभी कभी गम कई लोगों के होते हैं ना गम ब्लीडिंग हाँ होती जी है हाँ जी तो हाँ जी, तो ये एक बीमारी होती है मैम, वो पायरिया कहते हैं अच्छा उसको, गम ब्लीडिंग। वो पायरिया हो अच्छा जाती है, दांतों में कुछ भी टच करो तो वो होती है। वो इसलिए क्योंकि आप ओरल कैविटी का या दांतों का सही तरीके से देखभाल नहीं करते हैं, तो ये जी धीरे जी धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है और इम्यून सिस्टम पे भी इसका असर पड़ता है। इसकी वजह से ब्लीडिंग जो है ना वो फ्लो में चली आती है ऑटोमेटिकली, अच्छा इसका अच्छा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए पायरिया जितना हो सके उतना ना हो, अगर पायरिया कभी हो जाए किसी को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो जी जी तो 4 महीने के अंतराल पे आप क्लीनिंग कराएं, इससे थोड़ा बहुत उसमें असर पड़ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब एक और बात पूछनी थी आपसे कि जैसे ये कॉलगेट जेल, इनके जेल भी होते हैं टूथपेस्ट के और ऑर्डनरी भी होता, तो क्या जेल अच्छा होता है टूथ? हाँ जेल अच्छे होते हैं मसाज करने के लिए, जेल अच्छे होते हैं। आप जेल से मसाज कर सकते हैं लेकिन हमेशा जरूरत नहीं होती। बेसिकली तो आप वार्म वाटर यूज कर सकते हैं, लीक वार्म वाटर में थोड़ा सा नमक मिला दें एंड देन आप जी यूज करें तो वो ज्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ कि कोई भी आप फ्लोराइड्स वगैरह के वो यूज करते हैं। नेचुरल जी प्रोडक्ट इज अ बेटर देन एनीथिंग मेडिकेटेड, दैट्स व्हाई आप जी यूज कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब इफ यू डोंट माइंड, ये हमें पूछना था कि ये क्या विजडम टूथ नहीं निकला हो तो क्या कुछ उससे विजडम से कोई रिलेटेड है, कुछ हम लोग कहते हैं नहीं नहीं विजडम टूथ मैम, ये नहीं। सब ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जी बेसिकली एक मिथ वो है कि विजडम टूथ नहीं निकलते तो लोगों की अकल नहीं आती, इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ थिंग, बट ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोगों की विजडम टूथ नहीं आती क्योंकि क्या है ना, जी जेनेटिकली हमारे ओरल कैविटी आजकल बहुत छोटे हो गए हैं मैम, जी जिसकी जी वजह से क्या है कि स्पेस ही नहीं होता दांतों में। वो नीचे आए हुए होते हैं जी पर जी वो जी ऊपर इरप्ट नहीं हो पाते। इसके लिए हमें अगर टाइम अच्छा टू टाइम डेंटिस्ट को दिखाते रहे, कुछ एक्सरसाइजें जी होती है वो हम बताते हैं जिसकी वजह से थोड़ा ओरल कैविटी अच्छी हो जाती है, तो टिथ जी सारे आ जी जाते हैं। अगर वो टिथ जी नहीं भी आए तो उससे कुछ खास प्रॉब्लम्स नहीं होती। अच्छा तो डॉक्टर साहब साइन क्या है, जैसे कि आपके वीक टीथ जैसे मतलब जैसे लोग हमने देखा कई लोग एक टूथ रिप्लेस करवा रहे हैं, कोई उनका वो ये आपका ये करवा रहे हैं आपका ये क्या कहते हैं वो जो बड़ा कैप नहीं नहीं नहीं, नहीं रूट कैनाल करवा रहे हैं तो हाँ वो ये तो सब। मैं, हाँ वो तो इसलिए कि देखो जैसे भी हम जैसे भी दांतों में कभी भी ब्लैक व्हाइट स्पॉट या ब्राउन स्पॉट आ जाते हैं, जी उनको जी अगर हम सही तरीके से जैसे शुरू शुरू में आते हैं तब जाके डेंटिस्ट के पास अगर हम फिलिंग करा लेते हैं तो जी जी अंदर हमारी जो बैक्टीरिया है वो अंदर रूट की तरफ नहीं जाती है। तो रूट की तरफ नहीं जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें रूट कैनाल की जरूरत नहीं पड़ती। अगर जी वो छोड़ देते हैं आप बहुत दिनों तक तो ब्लैक जो है धीरे धीरे हमारे पूरे डेंटीन से लेके पूरे पर्स पूरे अंदर रूट तक चले जाते हैं। जब रूट अच्छा जो है हमारे गम्स के अंदर होता है तो वहां पे इन्फेक्शन जी हो जाता है, तो वो हम इसलिए रूट कनाल करना पड़ता है ताकि बाकी जो टीथ है और बाकी जो प्रोसेस है उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो, वो सब सुरक्षित रहे, इस वजह से रूट कनाल करना पड़ता अच्छा डॉक्टर साहब थैंक यू, डॉक्टर साहब थैंक यू सो है। मच ओके थैंक यू सो मच, आपका इस डॉक्टर प्रोग्राम में साहब बहुत बहुत स्वागत है। जी। आपने अच्छे क्वेश्चंस पूछे, और भी कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकती हैं। इसके अलावा जितने भी लोग हैं जो ये सब देख रहे हैं उन्हें कोई भी तरह की क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स हो दांतों से रिलेटेड, चाहे वो बच्चे हो चाहे बूढ़े हो बड़े हो, आप अपने कमेंट्स भेज सकती हैं, हम उन पे चर्चा करेंगे। और आपको अगर अच्छा लगे हमारी बातें तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इतना ही कहना था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम, राफिया मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पास हमारे नहीं इतने देर टाइम देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं आशा नहीं है कि बहुत बहुत आप थैंक यू सो मच मुझे मुझे आशा है कि आप मेरे जवाब से संतुष्ट हैं और बाकी लोग भी मेरे जवाब से जी, संतुष्ट होंगे, और जो भी क्वेरी हो आगे आप पूछ सकते हैं। थैंक धन्यवाद, यू डॉक्टर, धन्यवाद। थैंक यू।